रत्नाकर सिंह जी, सब लड़े आपस में लड़े वहां तक ठीक था, लेकिन इस सीमा तक चले जाए कि धैतेरे की हो जाए, अब वो भी माइक पर, इसको ना तो ये कह के कह टाला जा छुपाया जा सकता कि हमारे यहां लोकतंत्र है, वो अवस्था भी बीत गई, ये कह के भी नहीं छुपाया जाता कि नहीं लोकसभा के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, राष्ट्र उपराज्यों का नहीं, ये भी उम्र अवस्था चली गई। अब तो हर आदमी पूछ रहा कि भैया जब अखिलेश यादव ने यही ऐलान कर दिया कि इस पार्टी को वोट मत देना कभी और ना इस पर भरोसा करना, धोखेबाज पार्टी है, चालू पार्टी है। अच्छा मजे की बात देखो, नीतीश बाबू ने एक हल्की सी घुड़की लगाई तो खड़गे जी ने तब भी टेलीफोन डायल कर लिया, 20-22 मिनट बात की और उनसे कहा कि हम लोग बहुत गंभीर हैं, वो आपकी चिंता से सहमत हैं। अखिलेश यादव 1.5 महीने से बोल रहे हैं और आप लोगों में कहा बोले रहो बेटा, बोले रहो, नहीं रत्नाकर जी मसला क्या है भाई, क्या मान के चल रहे हो कि हाँ हो गया काम? रत्नाकर जी देखिए अमिताभ जी जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन में एक गठबंधन धर्म जो होता है ना, वो गठबंधन धर्म का सम्मान सारी पार्टियों को करना चाहिए और भाषा की मर्यादा को भी निभाना चाहिए, भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सारे वरिष्ठ लोग हैं जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को चुरखुट कहना और कांग्रेस पार्टी जो सबसे देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इस पार्टी को चालू धोखेबाज पार्टी कहना, निश्चित रूप से इस तरह के शब्द अखिलेश जी को शोभा नहीं देते हैं और गठबंधन धर्म और भाषा की मर्यादा को ध्यान निश्चित रूप से रखना चाहिए। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप कह रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से काफी तल्ख नजर आ रहा है, निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है, ये तल्खी तो दिख रही है। और समाजवादी पार्टी को आज की परिस्थिति में कोई भी देखकर ये कह सकता है कि ये अपनी डफली अपने राग पे चलने का इनका क्या कारण हो है भाई? आप कभी पीडीए का फार्मूला निकालते हैं तो कभी कहते हैं लोकसभा में एक तरफा ऐलान कर देते हैं कि आप 65 सीटों लड़ेंगे इंडिया गठबंधन में भी, तो इस तरह की सारी परिस्थितियां जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है और वचनबद्ध है कि सब लोग एक साथ एकजुट होकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है लड़ेंगे और एक एकजुटता में ही सकती है। ठीक, और एक चीज कहना चाहूंगा अमिताभ जी, अरे आखिरी लाइन पूरी जी, देखिए गठबंधन में जरूरत सबकी है। आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है तो गठबंधन में जरूरत सबकी है। कहीं 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 उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जरूरत है तो कहीं हमको भी दूसरे राज्यों में जरूरत है, दूसरे के हिसाब से। अब सारे आप अपने फिर अगर एक घंटा आपसे सवाल नहीं पूछे तो पूरा मत मानना, आपने सारी बात बोल दी, आपका पूरा पक्ष आ गया विस्तार से, इतना तो खड़गे जी नहीं रख सकते विस्तार से, सब आ गया। अब एक घंटा आप सुनो बाकी लोगों को, ठीक? कांग्रेस बड़े जो गठबंधन में बड़ा हो उसको वैसे भी बोलपुर नहीं होना चाहिए, उसको वो श्रोता होना चाहिए, सबकी सुनोगे तब पार्टी गठबंधन चलेगा। खैर मैं एक बात और कहूं फिर मनोज यादव के पास जाऊंगा, कांग्रेस की अब वो अवस्था भी बीत गई, जैसे बीमारी की स्टेजेस होती है ना, हर स्टेज की अलग दवा है, वो अवस्था भी बीत गई कि ऐसा होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, अवस्था बीत गई, अब चौराहे पर अनावृत हो गई चीजें, अब चाहिए का क्या मतलब, अब तो धैतेरे की हो ही गई, अब धैतेरे के बाद का एपिसोड क्या रहेगा अब उस पर चिंतन होना चाहिए, चाहिए वाली अवस्था पहले थी। खैर और एक बात और है, पीडीए का जिक्र किया रत्नाकर सिंह ने, अखिलेश यादव ने कल एक और बात कही, वो पीडीए का फुल फॉर्म बता ही चुके हैं, पिछड़ा पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक, उन्होंने कल ये बात मध्य प्रदेश में कही अखिलेश यादव ने कि जहां पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक एकजुट हुआ वहां कांग्रेस खत्म हो गई। क्या इसका मतलब? पीडीए कांग्रेस के खात्मे की शर्तिया दवा है। अब इस पर मेरे पर नाराज होने का अवसर नहीं बनेगा कांग्रेस को, क्या अरे कि आपने कैसे कह दिया ना जी, अखिलेश जी ने कहा है कि जहां जहां एकजुट हो गया वहां कांग्रेस खत्म हो गई। मनोज यादव जी अब मामला चौराहे पर आ गया मित्र, क्या
अब ये प्रवक्ताओं से, प्रेस विज्ञप्ति से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, महासचिव से, इस सबसे ऊपर उठ गया। अब तो जो पार्टी है उन्होंने खुद ही बोल दिया भाई वही तो पार्टी है, अखिलेश जी जो वो कहे वही पार्टी है, वही वक्तव्य है, वही नीति है पार्टी की, वही पार्टी का स्टैंड है। उन्होंने कह दिया भाई कांग्रेस को वोट मत देना, इन पे भरोसा मत करना, ये धोखेबाज है, जब हमें धोखा दे सकते हैं तो तुम क्या हो। अब आगे कैसे चला जाएगा मनोज जी? राम जी बिल्कुल सही, ने भी बिल्कुल सही कहा, हम कांग्रेस के खिलाफ, हमारे प्रत्याशी जहां जहां भी पर्चा भर के चुनाव लड़ा है वहां बीजेपी भी खिलाफ है, कांग्रेस भी खिलाफ, और हमारे कंपटीटर के रूप में कांग्रेस बीजेपी है तो हम जाहिर सी बात है उनके खिलाफ ही वोट मांगेंगे, और इसमें किसी तरीके का कोई सुभाग किसी को नहीं करना चाहिए। अगर गठबंधन होता तो भाषा हमारी मीठी होती, आज होम्योपैथ दवा की तरह आप भी खा लेते, मजा भी लेते। लेकिन भैया गठबंधन नहीं है तो फिर एलोपैथ ही चलेगी, एलोपैथ हो सकता है कहीं कहीं बड़का इंजेक्शन भी लगे, ये तो होगा, इसमें दो राय नहीं है। और हम समझते हैं कि कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए थी, नहीं समझी तो उनको अपने मैनेजर्स पे बल्ले बल्ले विश्वास करें और बेहतर हो। लेकिन मैं एक बात से बहुत डरता हूँ, ये बात मैं भविष्य के लिए कह रहा हूँ, जो बात मैं सब कह भी चुका हूँ आपके चैनल पे और भी कहा तो बोला हूँ, कहीं ऐसा ना हो तीन राज्यों में सरकार तो बन जाए, बाद को फिर पता चले लोकसभा 2024 के लिए घुड़की मिले उनको, तो मैनेजरों को तो मुख्यमंत्री पद मिल जाएगा, 5 साल हेलीकॉप्टर और खटोला लेके उड़ेंगे पूरे देश में, ठीक अपना अड़िया राजशाही रहेगी। लेकिन कांग्रेस का जब लोकसभा चुनाव होगा तो आप जान लीजिए कि वो तीन राज्यों में 4-5 सीटें मिली थी, तो कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए, ये भी एक सोचने वाली बात है। मैं तो इतना ही जानता हूं कि समाजवादी पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और चुनाव लड़ेगी 24 को लेके, मैं अभी इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर कांग्रेस 15 सीटें एक उदाहरण मान लेता हूं उत्तर प्रदेश में 15 सीटें अगर लेगी चुनाव लड़ने के लिए तो 15 सीट उत्तर प्रदेश के अलावा देगी कहां पे, वो हमको कहां देगी, मध्य प्रदेश में देगी, राजस्थान में देगी। मतलब तो बराबरी होता है ना, ये थोड़ी नहीं कि आप हमारे आओ खेत से बरसीन काट ले जाओ, हम तुम्हारे खेत की मेड़ की घास भी ना छील पाए, तो ये तो नहीं हो पाएगा ना। गठबंधन का मतलब बराबरी होता है। ठीक मनोज यादव ठीक बात कही, और ये नई बात मनोज यादव ने कही है जो अभी तक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं आई, कांग्रेस को इसको समझना चाहिए कि भाई गिव एंड टेक होगा। रोहित बाबू आपके पास आ रहे हैं, चूंकि आप भी उसी नाव सवार हो, हैं रायता इधर भी बिखरना है अभी, अब वो गोल गोल बातों वाला टाइम चला गया कि नन्हे अमिताभ जी देखिए सब लोग धर्मनिरपेक्षता दिस दैट ब्ला ब्ला सब खत्म हो गया, खेल अब तो चौराहे पर खुल गया पत्ता। ये बात ठीक कही मनोज यादव ने कि आपको 15 दें 12 दें 10 दें हम करें कुछ दें, उत्तर प्रदेश में आपको देंगे तो आप बदले में हमको किस राज्य में दोगे? जब विधानसभा में 4 सीट नहीं दी तो लोकसभा की 15 कहां दे दोगे भाई? अरे मानेगा कौन आपके कहने से? फिर आप अपने राज्य में दे सकते हो जहां सरकार हो आपकी। और कांग्रेस को एक चिंतन और भी करना चाहिए, ये जिस ओर इशारा कर रहे थे मनोज कि कांग्रेस में आला कमान नाम की संस्था बहुत कमजोर हो गई। रत्नाकर भाई बुरा ना माने, ठीक है ना, उनको हर्ट कर सकता है, लेकिन सच्चाई बात है, आपने पूरा ड्रामा किया, मैं उस ड्रामा के साथ नहीं था, मैंने तब भी उसका विरोध किया था कि ये सब मूर्खतापूर्ण काम है, एक लिस्ट जारी की उस पर मोहर लगाई डबल INDIA सेक्रेटरिएट, बोले इन 15 लोगों का बहिष्कार कर दिया सब लोगों ने चिंतन विचार करके। क्या एक तो वो 15 सब मौज ले रहे हर चैनल पर, सारे नेता जा रहे, ठीक, और कमलनाथ जी तो उलन खटोले में ले गए, उन्हें ठेंगे पे आला और ठेंगे पे कमान। महेश जोशी ने कहा था कौन आला कौन कमान, मैं नहीं कह रहा, महेश जोशी ने कहा था, नहीं धारीवाल ने, धारीवाल ने, शांति धारीवाल ने, शांति धारीवाल को टिकट मिल गया, इसलिए मामला वो भी। खैर रोहित अग्रवाल जी, अब तो भैया दाल बट गई जिसमें नहीं बटनी चाहिए, क्या अब आगे आप भी उसी नाव में सवार हो? नहीं नहीं बिल्कुल, आपने अपने फार्म अभी नत्थी रखा है या स्टेपलर खोल लिया अलग कर लिया है? बोले ना भाई हम अपना फार्म अलग रखेंगे जी। अमिताभ जी देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, इंडिया गठबंधन क्यों बना है?
इंडिया गठबंधन कांग्रेस के रिवाइवल या कांग्रेस के संरक्षण के लिए नहीं बना है। इंडिया गठबंधन भारत की जनता के संरक्षण के लिए बना है, जिसके मन की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं सुन रही है, अपने मन की बात सुना रही है भारतीय जनता पार्टी। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बना है। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई गई महंगाई के खिलाफ बना है। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाए जा रहे बेरोजगारी के खिलाफ बना है। इंडिया गठबंधन इसलिए बना है कि जनता को राहत दी जाए, क्योंकि आज जनता कहरा रही है भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से। इनके पास ना तो नियत है ना नीति है, अपना चलाया हुआ नोट 6 साल के अंदर इन्होंने मेरे साथ कई आज बहस ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी नीतियां कैसी हैं, आज बहस ये है गठबंधन कैसे बचेगा। ठीक, हाँ हाँ, गठबंधन कैसे बचेगा मैं बता देता हूँ। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ राज्य के चुनाव के अंदर। अब जब गठबंधन नहीं हुआ तो बट ऑब्वियस अखिलेश जी वहां पे सभा करने आएंगे तो ये तो कहेंगे नहीं कि कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दे दो। भाई अब कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो कांग्रेस को ही कोसना पड़ेगा, और कोसने की तो बात जहां तक मुझे याद आती है ओम प्रकाश राजभर जो बनारस की सभा से कोस रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद अगर ओम प्रकाश राजभर आज मंत्री बनने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो कोसने की बात तो मतलब मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर बेमानी है। आप तो पुराने आदमी आप कह रहे हैं ये चलता रहेगा जूतों दाल बट्टी लेगी सर, नथिंग नथिंग टू वरी। आपको पता है ठीक है रोहित, हम तो जनता के लिए गठबंधन किया है। ठीक, मैं समझ गया, आरएलडी का ओपिनियन है कि जूतों दाल बट्टी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, इसी सब चलता रहेगा, डोंट वरी। लेकिन मैं आरएलडी की राय से सहमत नहीं, अगर जयंत की भी राय है तो इसमें अभी राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। ठीक है ना, बागपत में आके अजय राय बोले कि धोखेबाज है जयंत चौधरी है दिसंबर में, और जनवरी में आके कहें कि ये चरण सिंह के पोते हैं, नाती है, इनको वोट दो, ऐसे चलता है क्या यार? कहां की ढपली कहां बजा रहे हो, अजब ज्ञान दे रहे हो, बोले ऐसा है जी वैसा है जी। अरे राजभर छोड़ो, आप अपनी देखो ना। अरे राजभर क्या, राजभर से आपको आपका आपका जीवन चलेगा नहीं ना? आपका जीवन राजभर ने किसको गाली दी, राजभर को किसने गाली दी, उससे आपको एक सीट पड़ती हो तो दिन भर राजभर की माला जपो, एक 108 की माला ले लो, राजभर राजभर जपो। अपना तो एक ही चलेगा ना राजनीति में अमिताभ जी। ठीक, इसलिए एक ना राज, आप अभी तो अपना देखो कि ये गठबंधन कैसे चलेगा, मूल प्रश्न उतना पर है आज। राजभर और दारा सिंह पे कई बार चर्चा कर चुके, फिर करेंगे, विस्तार विस्तार होगा फिर करेंगे।